गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ओपन योर न्यू स्पार्कल सेमिस्टर सीरीज जूनियर के जी सेमिस्टर वन बुक। सो यू ऑल हैव बुक्स? यस। सो यस्टरडे व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे? कैपिटल लेटर ए, यस और नो? व्हाट वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे? Capital letter A. Yes or no? A for arrow. Capital A. A for arrow. A for arrow. A for arrow. A for axe. A for axe. A for axe. A for apple. A for apple. A for apple. And I asked you to color the apple. Color the apple. And activity number one, what I have asked you to write? Activity, what I asked you? You have to draw, or you can take this Xerox and you can paste it on a card sheet. If you are drawing, it's okay. It's well and good. Arrow, axe and apple. This is the first activity. Then after that, you have to trace the lines to complete the pattern. And after that, write the letter A. A. This is an arrow. This is an arrow. What you should say? This is an arrow. This is an arrow. Capital A. A for arrow. A for axe. A for apple. A for arrow. A for axe. A for apple. This way you have to read and write. I told you. Now we will start with the new alphabet to write. Yes, children, you will have now good fun to write the capital B. You are very excited to write the capital B. Okay, now see here. B for ball. B for ball. Capital B. B for ball. B for bell. B for bell. B for bell. B for bat. B for bat. B for bat. B for ball. B for ball. B for ball. B for bell. B for bell. B for bell. B for bat. B for bat. B for bat. You know what is the meaning of ball? तुम सभी खेलते हो ना बॉल से? बड़ा बॉल होता है, छोटा बॉल होता है, क्रिकेट का बॉल होता है, उसको बॉल बोलते हैं। और ये बेल जो है, जो मंदिर में दिखता है, मंदिर में बेल बजाया जाता है या नहीं? स्कूल का भी बेल होता है बेल। एंड दिस इज बैट, जो बच्चे बैट से खेलते हैं। खेलते हो ना तुम बैट से? खेलते हो या नहीं? बैट बॉल, बैट बॉल, बैट बॉल, बेल, बॉल बॉल, बेल बैट, बॉल बेल बैट। नाउ वी विल सी हाउ टू ट्रेस एंड राइट। ओके, नाउ सी हियर, ट्रेस द लाइंस टू कंप्लीट द पैटर्न। देखो तुम्हें कैसे लिखना है, एक स्ट्रेट लाइन लिखना है तुम्हें। डॉट्स देख रहे हो ना? सिर्फ तुम्हें आराम से लिखना है, बस इस तरह। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देख रहे हो बच्चों? ऐसे तुम्हें घुमाना है, ऐसे अंदर लेके इसको ऐसा लेके देखो। 1 2 3 लाइन है ना, पहले ये रेड लाइन से लेके अंदर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके ऐसे करना है तुम्हें। देखो, यस, इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गो ऑन राइटिंग।
Have you understood? Now, write the letter B. Capital B. B for ball. 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 Okay. Now, B for bell. 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 देखो, लिख पा रहे हो ना? देखो, दिख रहा है ना तुम्हें? B for bat. B for bat. B for bat. ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं आया है, तो उसको वाइप आउट कर दिया. B for B for bat. B for bat. B for bat. देखो अब क्या करना है तुम्हें. B for ball. B for ball. B for bell. B for bell. B for bat. B for bat. अब इसको क्या बोलना है तुम्हें. This is a ball. Introduce करना है तुम्हें. ये लेटर क्या है? B. B for ball. B for ball. B for ball. This is a ball. This is a bell. This is a bat. This is a ball. This is a ball. This is a bell and this is a bat. This is a bat. इस तरह तुम्हें बोल बोल कर लिखना है. तुम्हें बोल बोल कर लिखना है. उसके बाद मैं तुम्हें बच्चों C भी लेती हूँ. कैपिटल लेटर C. ओके, कैपिटल लेटर C. देखो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. C. C for cat. C for cat. Cat means meow meow. Cat means cat. Yes, see here. This is a ball. This is a ball. तुम्हें क्या पढ़ना है? This is a ball. B for ball. B for bell. B for bat. B for ball. B for bell. B for bat. इस तरह से तुम्हें पढ़ना है और लिखना है. पढ़ना है और लिखना है. सो लेट्स सी वन मोर न्यू अल्फाबेट, दैट इज कैपिटल सी. कैपिटल सी. यस, पेज नंबर 10. पेज नंबर 10. सी फॉर कैट. सी फॉर कैट. सी फॉर कैट. कैट मीन्स मियू मियू. How does the cat mew? The cat mews meow meow. C for cake. Cake तुम बच्चे खाते हो या नहीं? सबको पसंद है cake? मुझको भी बहुत पसंद है. मुझको भी पसंद है. और देखो बच्चों, cat यानी क्या? बिल्ली. मांजर बोलते हैं ना इसको. cake जो हम बर्थडे में cake काट कर खाते हैं. C for cake. C for cake. C for cake. C for cap. Cap यानी टोपी, जो धूप से तुम्हें बचाती है. अगर बारिश हो तो टोपी पहनते हैं सर पे, ताकि तुम्हारा सर ना भीगे. ओके बच्चों, C for cat. C for cat. C for cat. C for cat. तो अभी तुम्हें ये ट्रेस करके कैसे लिखना है मैं तुम्हें बता रही हूँ. देखो, ट्रेस द लाइन है ये. ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न. तुम्हें मैंने ऐसे सिखाया है ना, हाफ सर्कल जिसको बोलते हैं, पैटर्न है ये. इस तरह से तुम्हें घुमाना है. देखो,
इस तरह से। यस, देख पा रहे हो या नहीं? इस तरह से तुम्हें घुमाना है, देखो ऐसे ऐसे डॉट के ऊपर से, फिर सिर्फ तुम्हें ऐसे घुमाना है इस तरह से। उसके बाद राइट द लेटर सी, सी फॉर कैट, 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 सी फॉर केक, 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 सी फॉर केक। नाउ सी फॉर कैप, 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 सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर केक, सी फॉर केक, सी फॉर कैप, सी फॉर कैप। इस तरह से तुम्हें बोल बोल के लिखना है। और फिर क्या बोलना, क्या बोलना है तुम्हें? दैट इज अ कैप, दैट इज ए कैप। क्या बोलना है तुम्हें? दैट इज अ कैप, दैट इज ए कैप, दैट इज ए कैप। आया बच्चों तुम्हें समझ में? आया क्या बोलकर लिखना है? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर के, सी फॉर के, सी फॉर कैप, सी फॉर कैप, दैट इज अ कैप, दैट इज अ कैप, दैट इज अ कैप, दैट इज अ कैप। तो मैंने तुम्हें पहले पेज में बी, बी का तुम्हें क्या करना है बच्चों? ऐसा तुम्हें आउटलाइन जो डॉट 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 दिख रहा है ना, उसको तुम्हें ऐसे करके आउटलाइन देना है। आउटलाइन देके तुम इसको कलर करना है। तुम्हें जो रंग बैट का पसंद है वो कलर तुम दे सकते हो। उसके बाद कैप, कैप को क्या करना है तुम्हें? ये जो डॉट देख रहे हो ना, तुम डॉट देख रहे हो ना, उसको तुम्हें देखो इस तरह से आउटलाइन देना है। इसको बोलते हैं डॉट, डॉट को तुम्हें क्या करना है? आउटलाइन देना है इस तरह से, इस तरह से आउटलाइन देना है। आउटलाइन देके कैप को तुम्हें जो पसंद है वो कलर से तुम कलर कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो आज तुम्हें मैंने क्या पढ़ाया है? कैपिटल बी एंड सी, कैपिटल बी एंड सी। इसको तुम्हें, अब तुम्हारे पास फोर लाइन का बुक जो है ना, फोर लाइन का बुक, यस, फोर लाइन की बुक में तुम्हें क्या करना है? लिखना है कैपिटल लेटर बी, कैपिटल लेटर बी। हाँ, और तुम्हें यहाँ डेट डाला है, देखो 5/8/2021। ओके चिल्ड्रन, कैपिटल लेटर बी। तुम्हें मैं बी कैसे लिखना है बता रही हूँ। देखो ये तुम्हारा बुक है ना, ये बुक है तुम्हारा, ओके तो इसको ऐसे बी लिखना है। देखो बी, 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 बी फॉर बॉल, बी फॉर बेल, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेल, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। इस तरह से तुम्हें बोल बोल के कितना पेज लिखना है बच्चों? टू पेजेस लिखना है। बी कितने पेजेस लिखना है? टू पेजेस।
और कल हमने क्या लिया था, कल क्या लिया था हमने, ये क्या है, कैपिटल ए। देखो और एक बार मैं तुम्हें बताती हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। आज मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, कैपिटल बी, 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 ओके। अब तुम्हें क्या लिखना है, कैपिटल सी लिखना है, कैपिटल लेटर सी, सी। इसको क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें हाफ सर्कल बोल के तुम्हें सिखवाया है ना, इसको देखो, मम्मी को बोलो ऐसे तुम्हें टू डॉट्स डाल के दे, इसको ऐसे घुमाना है तुम्हें, बस देखो सी क्या लिखना है तुम्हें, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर केक, सी फॉर कैट, ऐसे तुम्हें दो डॉट्स डाल के देने के बाद तुम लिख पाओगे। अगर एक भी डॉट दिया ना तो भी तुम लिख सकोगे, सी फॉर क्या बोलना है, सी फॉर कैट, सी फॉर केक, सी फॉर कैट। ये सिर्फ तुम्हें रेड ब्लू ब्लू का लाइन इतना पकड़ के तुम्हें लिखना है, आया समझ में। ये थ्री डॉट्स का जो दिया है तुम्हें, इसमें से दो डॉट को ही तुम्हें ज्वाइन करना है। अगर दो डॉट मम्मी ने डाला तो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे एक डॉट डाला तो डायरेक्ट करना है तुम्हें, थर्ड लाइन पे आना है। ओके बच्चों, तो तुम्हें अब मैं और सी जो है इसको तुम्हें कितने पेज लिखना है, टू पेजेस। और अब जो देने वाली हूँ मैं तुम्हें, कैपिटल लेटर्स, अब क्या क्या हो गया हमारा, ए टू सी हुआ है ना, यस। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसा तुम्हें बोल के ए बी सी एक पेज लिखना है। टोटल तुम्हें कितना पेज लिखना है, फाइव पेजेस, बी टू पेजेस, सी टू पेजेस, ए टू सी वन पेज, ए टू सी वन पेज। ये होगा तुम्हारा आज का होमवर्क, यू हैव टू रीड विद हेल्प ऑफ द पिक्चर, विद हेल्प ऑफ द पिक्चर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, विद दिस वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू चिल्ड्रन।